हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मिली नहीं ना इधर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा सामान है और मैं अभी जा रही हूँ अपनी बेटी को उसके कॉलेज तक छोड़ने के लिए, और बहुत लंबी हमारी ट्रिप होने वाली है। मैं बैठ चुके हैं, हम लोग ट्रेन चल गई है हल्द्वानी टू दिल्ली, निजामुद्दीन टू विजयवाड़ा। तो अभी तो जाएंगे हम हल्द्वानी टू दिल्ली, फिर दिल्ली से अपना सेकंड ट्रेन चेंज करेंगे। प्रोग्राम ही कैंसिल करो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसको थोड़े दिन के लिए डिले करो। ओके, नहीं तो अभी रेलवे स्टेशन है, पता नहीं कौन सा है, हम पर कहां पहुंचे। ऐसे कौन है सोना गिरा है, जैन लोगों का बहुत है, सोना गिरा है जैन लोगों का। और ये मध्य प्रदेश में है, अभी राजस्थान में है सोन गिरा। अरे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वहाँ जा रहे हैं स्पा। तो अभी आप खुद जाके जाके दिखाएंगे आंध्र प्रदेश जा रहे हैं स्पा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, वहाँ बच्चे का एडमिशन करा के फिर इसी ट्रेन में वापस आएंगे, तो हम आपको सारा हाल यहाँ से सुनाते हुए आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है ये है राजस्थान, और तो ट्रेन से कुछ इस तरीके से दिख रहा था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब देखने में। और लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे। तो ये इस टाइप से कुछ है यहाँ पे राजस्थान का एरिया। और ये जो सामने आपको वाइट वाइट कलर के जो मंदिर टाइप का दिख रहा है, ये है जैन लोगों का बहुत बड़ा तीर्थ है यहाँ पे, सोनागिरी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग ऑटो में बैठ के आ गए थे रेलवे स्टेशन से, तो यहाँ पे हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ को। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे, खूब सारे पेड़ पौधे लगे, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ का नज़ारा, ये भी है विजयवाड़ा। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना, जो ऑटो वाले हैं और छोटे छोटे सब्जी वाले हैं, ये तो बिल्कुल भी हिंदी नहीं जानते, एक रत्ती भी हिंदी नहीं जानते हैं, तो ये तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे आ गए हम लोग अपने होटल की लोकेशन पे। तो थोड़ी देर होटल में रुकेंगे, उसके बाद फिर बेटी के कॉलेज के लिए निकलेंगे। होटल में रेस्ट वगैरह करके फ्रेश होके फिर जाएंगे हम उसके कॉलेज। अपने होटल वाले जगह पे, तो क्या है ना, ये जो रिक्शे वाले भैया ऑटो वाले भैया हैं, ये कुछ बोल रहे थे अपनी लैंग्वेज में और हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई इनकी भाषा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे होटल में आ गए हैं, और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करके फिर जाएंगे हम होटल रूम पे।
तो ये जो भैया थे साथ में, इन्होंने रूम दिखाया हमको, रूम ठीक लगा हमको, पसंद आ गया था, तो हम फिर से नीचे आ गए थे। तो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनका पेमेंट वगैरह करना, वो सब हमने फिर किया था। उसके बाद हम रूम में जाएंगे, अभी फ्रेश होएंगे, फिर जाके बेटी के कॉलेज के लिए निकल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ना फ्रेश होके अपना फिर से आ गए हैं, ऑटो पकड़ लिया हमने और कॉलेज के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पर हम होटल से ज़्यादा दूर नहीं था कॉलेज, ये आ गए हैं कॉलेज के गेट पे। बहुत ही सुंदर है ये, हॉस्टल लग रहे हैं। यह है कॉलेज के अंदर का एरिया और यहाँ भी काफी सारे पेड़ पौधे, ग्रीनरी काफी अच्छी मेंटेन की हुई है। और ये जो कॉलेज है ना, ये बहुत बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे, मतलब इतने अच्छे पेड़ लगा रखे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हवा इतनी अच्छी आती है और गर्मी का एहसास नहीं होता है इसके अंदर। वैसे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद फिर से हम लोग आ गए थे बाहर, कैंपस के बाहर, क्योंकि भूख भी लग चुकी थी। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम ढूंढ रहे थे रेस्टोरेंट कहीं पे, तो उससे पहले हमको ये नारियल वाले दिख गए थे, तो हमने चलो सोचा सब लोग नारियल पी लेते हैं। और इनका जो नारियल जो रहता है ना, बहुत सॉफ्ट वाला, इसके अंदर जो क्रीम रहती है वो बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी हो रही थी। और मैंने इसकी क्रीम पहली बार खाई थी, सच में बहुत अच्छी लगी। और नारियल पानी जो इतना टेस्टी हो रहा था, वह काफ़ी, मतलब इतनी गर्मी में ना एनर्जी काफ़ी अच्छी थी। तो अब यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में डाल दूँगी। और अगले वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और ये मुझे आपसे बार बार कहना पड़ता है, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना मेरे चैनल को।